ओम शांति। बाबा के 19/9/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा एवर हेल्दी बनने के लिए बाबा की याद में रह करके भोजन बनाकर खाने से बाबा ने कहा तुम एवर हेल्दी बन जाएंगे। जब भोजन खाते हो ये स्मृति रहे बाबा और मैं बाबा के साथ भोजन खा रहा हूँ, बाबा मेरे साथ खा रहे हैं। साथ साथ बाबा ने कहा देवता बनने के लिए पहली बात शंख ध्वनि करनी है, सबको ज्ञान सुनाना है। दूसरा बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, स्व अर्थात मैं आत्मा को जानना, बाप को जानना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना और सृष्टि में जो आदि संगम युग बाप और बच्चों का युग है, ये बाप और बच्चों का संघ अर्थात मिलन मनाने का युग। सत्युग में हम डबल सिरताजधारी थे, निर्विकारी थे, संपूर्ण थे, सूर्यवंशी थे। त्रेता में आए चंद्रवंशी बने, बाहों पर दो कलाएं कम हुई, फिर द्वापर में आए, फिर कलयुग में आए, फिर अभी संगम युग पर बाबा के साथ। तो बाबा ने कहा ऐसे स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। और तीसरा कमल पुष्प सम जीवन व्यतीत करना है। घर परिवार में रहते हुए, संसार रूपी किचड़े में रहते हुए अपने को कमल पुष्प समान बनाना है। जैसे कमल का फूल होता है किचड़ में रहता है, लेकिन उसका फूल बहुत ऊपर ऊंचे स्थान पर, पानी भी उसके ऊपर स्पर्श तक नहीं करता। तो कमल का फूल किचड़ में भी रहता है, बहुत बड़ी उसकी गृहस्थी होती है, कमल गट्टा, कमल ककड़ी, कमल का फूल। तो बाबा ने कहा संसार रूपी किचड़े में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए तुम्हें पवित्र बनना है। कोई भी पुरानी दुनिया की चीज, वस्तु, व्यक्ति आपके ओर आकर्षण ना करे, आपके ऊपर उसका प्रभाव ना पड़े, एकदम न्यारा और प्यारा पवित्र बनना है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम फिर से राजयोग सीख रहे हो, कल पे पहले भी सीखा था और अभी फिर सीख रहे हैं, तुम्हें भगवान फिर से पढ़ाते हैं। तुम राजई के लिए यह पढ़ाई पढ़ रहे हो, अपनी एम ऑब्जेक्ट सदा याद रखो। ये हमारा लक्ष्य है, ये लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण ऑटोमेटिकली आएंगे। क्वेश्चन है, अभी तुम बच्चे कौन सी तैयारी बहुत खुशी से कर रहे हो? आंसर, तुम अपना ये पुराना शरीर छोड़ बाप के पास जाने की तैयारी खुशी खुशी से कर रहे हो। एक बाप की ही याद में शरीर छूटे, गुटखा ना खाना पड़े, ऐसी प्रैक्टिस यहाँ ही करनी है। तुम्हारी अभी स्टूडेंट लाइफ बेपरवाह लाइफ है, माना कोई चिंता नहीं, ग्रस्त का बोझ का ये कोई किसी भी प्रकार का चिंता आपको नहीं, इसलिए बाबा ने कहा ये आपकी बेपरवाह लाइफ है, इसलिए गुटका प्रूफ बनना है। कन्फ्यूजन होती रहती है, दुविधा में रहते हैं, ये सब कुछ जीवन में नहीं होना चाहिए। गीत, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। रूहानी बच्चे पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो यह जानते हैं कि हम क्या पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले को भी जानते हैं और एम ऑब्जेक्ट उद्देश्य प्राप्ति क्या है वह भी अच्छी तरह से जानते हैं। अभी तुम सब जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, इस समय हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हैं, तुम क्या पढ़ते हो? राजयोग। यह भी जानते हो हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, और पढ़ने वाले कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, जो 5000 वर्ष पहले भी सीखा था, ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे ही पास है, भगवान फिर से आकर पढ़ाते हैं।
ये कोई कम बात थोड़ी है, यह भी बच्चों को पता है, भगवान एक है, भक्त अनेक हैं। इससे सिद्ध होता है बाप एक और बच्चे अनेक हैं। बाप को क्रिएटर तो सब मानेंगे, रचना को रचता द्वारा वर्षा मिलता है। रात को प्रश्न पूछा था ना, बाप को कैसे पहचाना जाए? बाप खुद कहते हैं, हमने तुमको बच्चा बनाया है, तब तो सामने बैठे हो। हम तुमको फिर से मनुष्य से देवता बना रहे हैं, राजयोग सिखा रहा हूँ, जिससे तुम सो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए ना, तुम्हारी बुद्धि में है। लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य था, सारे विश्व पर राज्य था। तो तुम बच्चों को चित्रों पर बैठ समझाना है हम क्या पढ़ रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट। स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो माता पिता भी जानते हैं क्या पढ़ रहे हैं। यहाँ तुम फिर से राजाई के लिए पढ़ रहे हो तो तुमको मित्र संबंधियों को भी बतलाना पड़े। हम इस गीता पाठशाला में राजयोग सीखते हैं, जिससे हम राजाओं का राजा बनेंगे। इस पाठशाला में बूढ़े जवान बच्चे सब पढ़ते हैं, ये वंडर है ना। पाठशाला में तो ऐसा होता नहीं, इसलिए इसको सत्संग भी कहा जाता है। सत्संग में तो सब जाते हैं, परंतु वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हम राजयोग सीखने जाते हैं। उनको कोई भगवान तो नहीं पढ़ाते, तुमको तो भगवान खुद पढ़ा रहे हैं। यह पढ़ाई तो बहुत सहज है, नाम ही है सहज ज्ञान, सहज राजयोग। राजा जनक को भी सेकंड में ज्ञान मिला और जीवन मुक्त हुआ। मनुष्य भी कहते हैं हमको जनक मिसल ज्ञान चाहिए, जो हम गृहस्थ में रहते पा सकें। ये तो बहुत उच्च पढ़ाई है। मनुष्य से देवता बनना है, देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। सर्वगुण संपन्न यह है मृत्युलोक, वह है अमर लोक। पति दुनिया आसुरी, पावन दुनिया दैवी दुनिया। पावन दुनिया में जाने के लिए पवित्र बनना है। लक्ष्मी नारायण पावन थे ना, अभी तो वह है ही नहीं। यह तो पतित राज्य है, फिर से पावन बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, लक्ष्मी नारायण में सभी का प्यार रहता है। तब तो बड़े बड़े आलीशान मंदिर बनाते हैं। श्री कृष्ण का तो छोटा सा मंदिर बनाते हैं, जो बच्चों का होता है उनको ये पता नहीं है कि राधे कृष्ण ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तो समझा सकते हो, आज से 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य भारत में ही था, कोई के चित्र हैं ही नहीं। सूर्यवंशी डिनास्टी मशहूर है, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की डिनास्टी थी। फिर द्वापर कलयुग होता है, अभी कलयुग का अंत है, हम फिर से वही राजयोग सीख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले राजयोग सीख राजा ही प्राप्त की थी, बरोबर वह संपूर्ण निर्विकारी थे। अभी पतित दुनिया है, इसलिए परम पिता परमात्मा को आना होता है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, वह तो निराकार ठहराना। श्री कृष्ण तो प्रिंस है सत्युग का, वो कैसे आकर पावन बनाएंगे? तो समझाना पड़े, साकार को भगवान नहीं कहेंगे। दूसरे धर्म वाले परमात्मा को निराकार मानते हैं, वही लिबरेटर गाइड ब्लिसफुल गॉडफादर सर्व का दुख हरता सुख करता है। शिव बाबा सर्व का दुख हरता और सुख करता है। बाप जब दुख हरते हैं तो सुख भी देते होंगे ना, तो मित्र संबंधियों आदि को यह समझाओ क्या कि वहाँ तो वेद शास्त्र अनेक मनुष्य सुनाते हैं, यहाँ तो सब सुनते ही एक से हैं,
हाँ वहाँ पर अनेकानेक कोई कोई शास्त्र सुनाएगा, कोई शास्त्र कोई कोई सुनाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ही शिव बाबा है जो हम बच्चों को ये पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरे से ही सुनो भगवानों वाच्य, तो जरूर किस तन में आएगा ना। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया हैं, 5,000 वर्ष पहले भी संगम पर ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण रचे गए, जो ब्राह्मण फिर देवता बने थे, अभी हम शूद्र से ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं, कल्प पहले भी सीखे थे, समझेंगे यह तो बड़े निश्चय से बोलते हैं भगवानों वाच्य, मैं तुमको फिर से राजाओं का राजा बनाता हूँ। अक्षर तो बरोबर गीता में है, राज्योग से हमने राजाई पाई, फिर द्वापर में रावण राज्य शुरू हुआ, अभी रावण राज्य पूरा होता है, हम फिर से राजयोग सीख रहे हैं। और पाठशालाओं में ऐसे नहीं कहते कि हम फिर से पढ़ रहे हैं, यह तो बच्चों की बुद्धि में है, कहते हैं कि हम फिर से राजयोग सिखाने आया हूँ। उस समय महाभारत लड़ाई लगी थी, पांडव गीता सुनते थे, तो तुम हो रूहानी पंडे, हे रूहानी बच्चे अथवा रूहानी पंडे, थक मत जाना, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते थक मत जाना। बाप कहते हैं ना, गीता जरूर भगवान ही सुनाएगा ना, है भी भगवानों वाच्य, तुम जानते हो हम स्वर्ग के सुख पाने के लिए राजयोग सीख रहे हैं, भगवान है ही निराकार। शिव जयंती मनाते हैं तो जरूर जन्म लेकर कुछ किया होगा ना, वर्षा दिया होगा, बरोबर सत्युग में सूर्यवंशी देवी देवताएं थे, डिनेस्टी में तो बहुत होते हैं ना, जैसे एडवर्ड दी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आदि आदि, उन्हों की भी डिनेस्टी चलती है, यह भी ऐसे ही है। तुम बच्चे चित्रों पर अच्छी रीति समझा सकते हो, ये ब्रह्मा कहते हैं मैं थोड़ी भगवान हूँ, बनाने वाला तो दूसरा ही होगा ना, मैं कहाँ से सीखा, अगर हमारा मनुष्य गुरु होता तो गुरु से लाखों करोड़ों सीखने वाले चाहेंगे, सिर्फ यही सीखा क्या, और सब चेले कहाँ गए, यहाँ तो है ही भगवानों वाच्य। उसने ये राज समझाया है, ये चित्र कैसे बैठ निकलवाए, लक्ष्मी नारायण बचपन में कौन थे, श्री कृष्ण श्री राधे थे, गीता का भगवान कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, पढ़ने की तो बात ही नहीं, तुम भी कहते हो हम फिर से देवता बन रहे हैं, शिव जयंती भी गाई जाती है, लाखों वर्ष तो नहीं हुए, तो बाप बैठ समझाते हैं इन शास्त्रों आदि में कोई सार नहीं है, ये पढ़ते पढ़ते तुम्हारी कला उतरती गई, अभी तो कोई कला नहीं रही, तो बाप कहते हैं भक्ति से कोई भी मेरे से मिल नहीं सकता, मुझे आना ही पड़ता है। तुम कहते हो भगवान किस न किस रूप में आएगा, श्री कृष्ण तो है ही सत्युग का प्रिंस, शिव तो है निराकार, तो वह जरूर किस में तो आया होगा ना, निराकार शिव बाबा किसी तो तन में आया होगा ना, पतित पावन है तो जरूर कलयुग के अंत में आया होगा, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, ये तो शोभता ही नहीं, कहाँ कहते सत्युग का फर्स्ट प्रिंस वैकुंठ नाथ, फिर सत्युग त्रेता को क्रॉस किया एकदम द्वापर में कैसे चला गया, तो बाबा कहते ये तो शोभता ही नहीं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ संगम पर, इस बूट यानी ब्रह्मा में फिट होता हूँ, हाँ पाँव फिट आता है ना बूट में, तो बाबा ने इसको लॉन्ग बूट कहा है इस शरीर को, तो इसमें मैं फिट आता हूँ, ड्रामा में कोई चेंज नहीं हो सकते, रोला कितना कर दिया, इसलिए प्रश्न पूछा जाता है गीता का भगवान कौन, ये बड़ी जरूरी बात है, इसी में सारा रोला है, नरक को पलटने और स्वर्ग बनाने वाला कौन, बाप ही कर सकते हैं,
लक्ष्मी नारायण कितने एक्टिव थे, तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश हो जाएंगे। सब तो नहीं समझेंगे, कोई को अच्छा लगता है परंतु पवित्र रहने की हिम्मत नहीं रखते। अभी देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, जो कल्प पहले ब्राह्मण बने होंगे वही बनेंगे। ये कलम बाप के सिवाय और कोई लगा नहीं सकता। देवता धर्म वालों को शूद्र से ब्रह्मा मुख वंशावली जरूर बनना पड़े, नहीं तो देवता कैसे बनेंगे। विराट रूप पर समझाना होता है, चोटी के ऊपर शिव दिखाते हैं, उन्होंने शिव को और ब्राह्मण वर्ण को उड़ा दिया है, बाकी देवता क्षत्रिय आदि आदि दिखा दिए हैं। विराट रूप दिखाते भी हैं विष्णु के रूप में, ये नॉलेज समझने की है। मनुष्य कैसे 84 जन्मों का चक्कर लगाते हैं और कोई ये नॉलेज नहीं जानते। बाप कहते हैं यह नॉलेज ही प्रायलोप हो जाती है, परंपरा चल न सके। स्वदर्शन चक्र देवताओं को नहीं, ये तुमको है, परंतु तुम तो संपूर्ण बने नहीं हो, तो निशानी देवताओं को दे दी है। स्वदर्शन चक्र फिराते कमल पुष्प समान बनते, शंख ध्वनि करते, तुम देवता बन जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं, ये बातें कोई की बुद्धि में नहीं हैं। भगवान पढ़ाते हैं हम विश्व का मालिक बनते हैं, तो कितना ना हर्षित होना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। सिर्फ पढ़ाई की और कुछ नहीं सोचता, बस मुझे पढ़ना है, घर परिवार की कोई चिंता नहीं। बच्चा है, पढ़ रहा है, स्टूडेंट लाइफ है, उसकी गृहस्थी तो है ही नहीं, तो इसलिए बाबा ने कहा तो कितना ना हर्षित रहना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट, पढ़ाई की लाइफ बेपरवाह अच्छी रहती है। पीछे तो जाल में फंस जाते हैं, कितने दुख की जाल है। सत्युग में कोई बात ही नहीं, खुशी खुशी से शरीर छोड़ते हैं, घुट घुट कर मरना रावण राज्य में होता है। तुम खुशी से तैयारी कर रहे हो कि हम कब बाबा के पास जाएं, बैठे ही इसलिए हो, पुराना शरीर छोड़ जाएं, फिर 21 जन्म गुटखा खाने की बात ही नहीं। इस जन्म में गुटखा बिल्कुल नहीं खाना है। संगमयुगी जीवन हमारा अमूल्य जीवन है, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, पालना में उसकी हम पल रहे हैं। तो बाबा कहते इस जन्म में कोई गुटखा खाने की बात ही नहीं। पति से पावन बन रहे हैं तो बहुत खुशी में रहना है। अच्छा, यहाँ से सूक्ष्म मतन में जाते हो वह भी अच्छा है, फरिश्ता तो बनना है। आधा कल्प तो गुटखा खाते आए, अब बाबा के पास जाएं, खुशी से तैयारी कर रही हैं, गुटखा प्रूफ यहाँ बनना है। ऐसे सन्यासी भी बहुत होते हैं जो बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, सन्नाटा हो जाता है, समझते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। गाते तो जाते तो कोई है ही नहीं, जब तक बाप ना आए कोई भी आत्मा वापस परमधाम नहीं जा सकती। शिव बाबा का भंडारा भरपूर है, कहते हैं ना, जिस भंडारे का खाया वो भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर आदि आदि। यहाँ तो अकाली मृत्यु होती रहती है, पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है। इसलिए यज्ञ का सिस्टम है, कोई भी चीज़ कोई लाता है भंडारे में डालो, यज्ञ के वत्स जो पलते हैं फिर वो भंडारे से ही पलते हैं। किसी ने दिया, बाबा ने कहा अगर डायरेक्ट लिया तो उसकी याद आएगी, शिव बाबा तो भूल जाएगा। तो इसलिए बाबा के भंडारे में जो भी लाते हैं बाबा के भंडारे में डालें, और बाबा फिर जो भी निमित्त बनी बहने हैं उनके द्वारा उन यज्ञ वत्सों को दिलवाते हैं, तो उनको यही फिर याद रहता है कि मैं बाबा के भंडारे से पल रहा हूँ। बाबा की याद आती है, फिर किसी देहधारी की याद नहीं आती। अगर देहधारी से कुछ लेते हैं और उसको हम यूज करते हैं तो बाबा ने कहा है कि ये भी कार्मिक अकाउंट बन जाता है,
फिर उसके यहाँ ही जन्म लेना पड़ता है। देने वाला जो है उसका भी भाग्य नहीं बनता और लेने वाले का हिसाब किताब बन जाता है। ये कर्म फिलॉसफी बड़ी गहरी है। बाबा के भंडारे से खाएंगे सब काल कंटक दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने यही कहा, सब काल कंटक दूर। यहाँ तो अकाली मृत्यु होती रहती है, पतित पावन शिव बाबा के भंडारे में जो आता है वो पावन बन जाता है। इसलिए इसको ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। इनकी बड़ी महिमा है। योग भी बड़ा अच्छा चाहिए। योग में रह भोजन बनाओ और खाओ तो तुम्हारी बहुत अच्छी उन्नति होगी। उस भोजन में बहुत ताकत आ जाती है। योग में तुम भोजन खाओ तो बहुत ताकत मिलेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे। बाबा खुद कहते हैं, हम बाबा की याद में बैठे जैसे कि हम और बाबा खाते हैं, परंतु फिर भी भूल जाता हूँ। एक बाप की याद में ही शरीर छूटे, कोई घुटका नहीं आई। ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए। बाबा की याद में रहने से एक तो शांति रहेगी और हेल्दी बनेंगे, भोजन पवित्र हो जाएगा। अंत का गायन है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। झाड़ में समझानी बहुत अच्छी है। त्रिमूर्ति और गोला भी जरूरी है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नाम बहुत बाला होता जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग ओम नमस्ते। धारणा है सदा तंदुरुस्त रहने के लिए याद में रहकर भोजन बनाना है। भोजन करते समय स्मृति रहे, हम बाबा के साथ खा रहे हैं तो भोजन में ताकत भर जाएगी। सेकंड पॉइंट, देवता बनने के लिए शंख ध्वनि करनी है, स्वदर्शन चक्र फिराते रहना है, कमल फूल समान पवित्र जीवन बनाना है। वरदान, ब्राह्मण जीवन की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भाव। जैसे किसी का जन्म राज परिवार में हो तो बार बार स्मृति लाते हैं कि मैं राजकुमार या राजकुमारी हूँ आदि आदि। चाहे कर्म रुचि के कारण साधारण भी हों, लेकिन अपनी जन्म की विशेषता को नहीं भूलते। ऐसे ब्राह्मण जीवन विशेष जन्म है तो जन्म भी श्रेष्ठ, धर्म भी श्रेष्ठ, कर्म भी श्रेष्ठ है। इसी श्रेष्ठता अर्थात विशेषता की जीवन स्मृति में नेचुरल रहे तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। विशेष जीवन वाली आत्माएं कभी भी साधारण कर्म नहीं कर सकती। स्लोगन, डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। डबल लाइट रहना है तो विघ्न विनाशक बनो। अमृत वेले की पॉइंट है। बाबा बच्चों को कहते हैं, बच्चे सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है, बड़ा मज़ा आता है, वायुमंडल अच्छा रहता है, तो रात को जल्दी सो जाओ, फिर 2-3 बजे उठो, आराम से बैठो और बाबा से बातें करो। अच्छा, ओम शांति।